हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है हमारा होटल से चेकआउट, तो हमें 9 बजे करना पड़ेगा और हमारे बैग्स कैब में रहेंगे। कैब के साथ ही हमें घूमना पड़ेगा और शाम को हमारा जो है हाउस बोट जाना है हमें डल लेक के अंदर शिकारा राइड के लिए। तो अभी सारी पैकिंग हो चुकी है वापस से और हम यहाँ से होटल से निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो आज हम जाने वाले हैं पहलगाम। आज हम जाने वाले पहलगाम देखते हैं, क्योंकि बर्फ़ तो देख देख के थक चुके हैं। तो कोशिश करेंगे कि हमें कुछ ग्रीनरी मिले। अगर बर्फ़ का हमें मौका भी मिलेगा तब भी हम नहीं जाने वाले ऑन टॉप, क्योंकि दो प्लेसेस पे हमने बर्फ़ देखी है। तो बर्फ़ देख देख के वैसे लगने लगा सिर्फ स्नो है स्नो है स्नो है और कुछ है ही नहीं। तो आज देखते हैं, कोशिश करेंगे वहाँ बेताब वैली मिले, बेताब वैली में ग्रीनरी मिले। बेताब वैली शायद आपको पता भी होगा उसका नाम बेताब वैली क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ एक मूवी शूट हुई थी जिसके बाद उस जगह का नाम बेताब वैली पड़ गया था। तो चलो लेके चलते हैं आपको सीधा पहलगाम। तो भाई रास्ते में जाते में भाई ने बताया कश्मीर का एक गोश्त डिश बहुत कश्मीरी कावा बहुत फेमस है, जो पिया जाता है ड्राई फ्रूट्स का बना होता है, जैसे अपने यहाँ चाय होती है। तो पी के देखते हैं आज पहली बार कैसा है ये, इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स होते हैं, बहुत सही रहता है सेहत के लिए। ये रहा ये बना हुआ है, लेते हैं अभी से और ट्राई करते हैं कैसा है पीने में। देखो भाई ने हमें ओरिजिनल केसर दिखाया जो कश्मीर से निकल के आता है। ये रहा कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। और इस वक्त हम बैठे हुए हैं ओरिजिनल ड्राई फ्रूट में, जहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स ग्रो होके आते हैं। ये देखो आप कहाँ से सर? दिल्ली से। जो कि सर आपके दिल्ली में जो केसर आते हैं ना, वो या तो बेबी नाम से आता है, पतंजलि के नाम से आता है। हाँ पतंजलि के नाम से आता है, एमडीएच के नाम से। कश्मीर का केसर नहीं होता। अच्छा वो कश्मीरी केसर नहीं होता, केरानी केसर होता है। केसर उसमें क्रोसिन कंटेंट रहता है 7%, जो भी कश्मीरी केसर में 17% क्रोसिन रहता है। अब जो कि सर पहले केसर की नॉलेज रखो, ये इसका फ्लावर होता है। पहले ऐसे 3000 फ्लावर कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर आता हमारे पास अजरा इतना सर। इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं लच्छा, लच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं बैक वाला पोर्शन वेस्टेज के साथ होता है। फिर इसको क्या करना पड़ता है, ऐसे चुन चुन के निकालना पड़ता है, कट करना पड़ता है, बन जाता है। फिर एक टॉप क्वालिटी का जिसको हम बोलते हैं फिर मोंगरा, मोंगरा जो होती है टॉप क्वालिटी का, इससे ऊपर कोई केसर नहीं होता। अब जो कि आपको हम मार्केट में बहुत सारे चीटर लोग मिलेंगे, उन्हें चीटिंग करके बेचते हैं इंसान में। इसकी पहचान कैसे करेंगे, यू हैव टू टेक वन पीस इन टू फ्रंट पोर्शन ऑफ योर टीथ, विल गेट द बेटर इन टेस्ट। खाने में कड़वा लगना चाहे वो इसकी पहचान होती है। दूसरी पहचान कैसे करोगे, अगर पानी में डालोगे ये पानी का कलर चेंज हो जाता है, डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, जो कि इसका ये अपना कलर धीरे 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 करके छोड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, लेकिन मेल्ट नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। ये देखो सर एक पीस का वैल्यू, अगर कलर की अगर बात करोगे एक पीस का वैल्यू। हाँ मैम आप भी ट्राई करके देखो, कड़वा लगना चाहिए खाने में। ये देखिए आ गया है कावा। कावा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि भाई ने अभी बताया कि इसके अंदर जो है 11 स्पाइसेस मिक्स होते हैं और ड्राई फ्रूट्स के साथ में ये होता है और बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो इसलिए इसको कावा बोला जाता है। तो हम इसको पियेंगे, ट्राई करेंगे और फिर बताएंगे कैसा टेस्ट था इसका। तो गाइस हमने ट्राई किया कश्मीरी कावा, पीने में बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था। और मैंने यहाँ का ट्राई भी किया, शिलाजीत लिया है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, कैसा रहता है वो बॉडी बिल्डिंग के एक्सपेक्ट से, क्योंकि मैंने जो देखा था ऑनलाइन वो उसमें मैंने मंगाया नहीं। तो मैं आपको शॉप दिखा दूँ अगर कोई लेना चाहे तो। ये है भाई की शॉप, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी। बाकी देखते हैं ट्राई करके, अगर और भी अच्छा रहता है तो ऑर्डर करेंगे। मैंने इनका कार्ड भी ले लिया, तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। गाइज ये वो रोड है जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था, इसी रोड पे बैक साइड पे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैं कावा पी रहा था, वहाँ जो चढ़ाई थी वहीं पर वो पुलवामा अटैक हुआ था। गाइस पहलगाम पहले पहुंचने से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली है। ये जो हमारा ड्राइवर है बाशिद, इसने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं। देखो मैं लेके चलता हूँ आपको एप्पल वैली, कैसे एप्पल ट्रीज पे लगता है ये देखिए।
ये देखिए, दिस इज द गार्डन ऑफ एप्पल एंड आई एम शूटिंग ऑल्सो विद द एप्पल। बहुत ही प्यारा गार्डन लग रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ी फोटो शोटो खींचेंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। रास्ते में हो सकता है और भी चीज़ें पड़े तो मैं साथ ही साथ कैप्चर चेक करता हुआ चल रहा हूँ। तो अभी मिलते हैं आगे आपसे। तो गाइस फाइनली हम पहलगाम पहुँच चुके हैं, अब हम जाएंगे मिनी स्विट्जरलैंड और बेताब वैली। तो अब यहाँ से भी हमें घोड़े के साथ जाना पड़ेगा, जो घोड़े की हम घूमने के लिए और दिखाएंगे आपको कि कैसा व्यू रहता है वहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड का। तो आगे लेके चलते हैं वीडियो में। तो गाइस घुड़सवारी शुरू हो चुकी है। मेरे को तो इतना डर नहीं लग रहा क्योंकि मैं सोनमर्ग में भी किया था, मैंने तो पैदल भी किया था क्योंकि घोड़े की दिक्कत आ गई थी। इनको ज़्यादा डर लग रहा है, हर बार इनको ज़्यादा डर लगता है। इनकी शक्ल बढ़ी है, कितना ज़्यादा डर लग रहा है। अब चल रहे हैं धीरे धीरे, ये रास्ता है अपना और ये लमसम 8 किलोमीटर रहने वाला है ओवरऑल। तो रुक के पिक्स वगैरह क्लिक करेंगे और दिखाएंगे कि कैसा रास्ता और क्या व्यू आता है मिनी स्विट्जरलैंड का। गाइस मैंने तुम्हारे सामने घोड़ा लिया था, देखा होगा अभी मैंने वीडियो में घोड़ा लिया था। वो घोड़ा मुश्किल से किलोमीटर भी नहीं गया, वो खाई के नीचे उतर गया। मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, इतनी व्लॉग की तो बात छोड़ो, मैंने अपनी जान बचा ली वही बहुत है। क्योंकि इनके कंट्रोल में मैं सोनमक के रास्ते पे गया था, इतनी मैं सुसाइड पॉइंट भी पार करा, मैंने और भी चीज़ें करी बहुत ज़्यादा, मतलब इतने बेकार रास्ते थे यहाँ के रास्ते से। लेकिन घोड़ा एकदम परफेक्ट चलाया उन लोगों ने, लेकिन यहाँ के लोगों प्लेन रास्ते पे घोड़ा नहीं चल पाया। तो भाई मैं लाइफ पर रिस्क नहीं ले सकता, ये भी बहुत ज़्यादा डर गई थी इसलिए मैंने इनको भी उतारा घोड़े से और मैं खुद भी उतरा। तो सॉरी मैं नहीं दिखा पाऊँगा आगे का, क्योंकि लाइफ पर रिस्क सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको बेताब वैली आगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर चुकी हैं। तो मैं सॉरी मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये हमारे पीछे जो है ये पहलगाम वैली है जो आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको एक बार पीछे का व्यू दिखाता हूँ पूरा। ये पूरी पहलगाम वैली है जो आपको आगे दिखाई दे रही है। तो ये लोग इस पहाड़ी के रास्ते से लेके जाते हैं बेताब वैली। बेसिकली खाली ग्राउंड है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। और जैसा मैंने देखा है, आपने और भी व्लॉग्स में देखा होगा, बट मैंने एक विश्वास करके लिया था। इनका मन शुरू से नहीं था घोड़ा लेने के लिए, लेकिन मैंने ले लिया, चलो ठीक है कोई नहीं आए हैं तो करके जाएंगे। बट घोड़ा कंट्रोल में नहीं है तो मैं अब बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा। तो अब हम यहाँ से वापस जाएंगे श्रीनगर के लिए और मिलते हैं आपसे आगे अपनी हाउस बोट पर। फाइनली इट्स टाइम टू शिकारा राइड। तो पहुँच गए हम डल लेक के पास, अब हम निकलवा रहे अपने बैग क्योंकि हमारा होटल से चेकआउट हो गया। अब हमें हाउस बोट के अंदर ही स्टे हमारा वन नाइट का। तो अब हम करेंगे शिकारा राइड, दिखाता हूँ मैं कैसी है डल लेक। ये रही हमारी शिकाराज और इनसे राइड करके हम अपने जो हाउस बोट्स हैं, वो बड़ी बड़ी हाउस बोट्स हैं, उनकी तरफ जाएंगे और देखते हैं कैसा रहता है। मैं तो पहले भी की है, ये इनका पहला एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कैसा रहता है। पहले सामान लोड करा लेते हैं इसके अंदर। कैसा फील कर रहे हो जी? हैं अच्छा लग रहा है अभी तो? अच्छा नहीं लग रहा, डर लग रहा है इससे भी? डर लग रहा है ना? कोई चीज़ है जिसे डर ना लगता हो? सर्दी से भी डर लगता है तुम्हें? रख लो, ये आ गए हैं भाई, ये करवाएंगे हमें राइड। मेरे पास है, हाँ दो हैं। तो अब ये जा रहे हैं हम शिकारा के लिए। शिकारा के लिए अब हमारा वन नाइट बोट स्टे रहेगा इस पानी के ऊपर, ठीक है? तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। नहीं ये नहीं हिलेगी। इसी में चलना है,
गिरेगी तो नहीं। इट्स अ लिटिल बिट हो रहे वाल, देखो ये दोबारा से, इनको लगेगा डर। आओ आराम आराम से, इस पे तो इतना स्पेस है, पीछे लेट भी सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आराम आराम से, यहाँ पैर रखो बीच में, आओ ना बीच में बीच में, आराम से बेटा। नहीं पीछे से पकड़ी है उन्होंने, उन्होंने पीछे से पकड़ी हुई है। एक मिनट एक मिनट, आओ 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 आओ, अरे ये हिलती है ही, आओ आओ आराम से, डरने का नहीं, आ जाओ। यस यस यस, आराम से आओ आओ, इधर आओ आओ आओ, एक मिनट रखो उसके ऊपर रखो। यस, तो हम बैठ गए अब शिकारा के अंदर। बड़ा डरती है यार हर चीज़ से। अब इसके अंदर हमारे हमारे अंदर रखे जाएंगे लगेज, लगेज के थ्रू हम जाएंगे अपने हाउस बोट पे। ये भाई लगेज लोड कर रहे हैं, इन्होंने रख दिया, और इसको पूरा ड्राइव करेंगे। बीच में जब घोड़ा खाई में खाई के अंदर चला गया था, तो मुझे लगा था ट्रिप थोड़ा सा बेकार हो गया है, थोड़ा मूड ऑफ हो गया था हम लोगों का। बट अब मुझे दोबारा से लग रहा है, क्योंकि हमने शिकारा राइड शुरू कर दिया है। अब हम बिल्कुल पानी के बीचों बीच आ चुके हैं, हमारी घाट से हट के हमारी बोट दूसरी तरफ जाइए, देखिए। चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भैया ड्राइव कर रहे हैं अपनी शिकारा। शिकारा से स्टैंग आउट बोर्ड तक लेके जाएंगे ये, ये देखिए। यहाँ से सन भी कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ठंडा पानी है। अभी तो तुम्हें डर लग रहा था, पानी में हाथ भी डाल लिया, बहुत डर लग रहा है। हर चीज में डरती है, हर चीज में डरती है। मैं ना दिखाऊं ना तो ये तो करा दे पूरे ट्रिप, अच्छा वाला बढ़िया वाला। डर लग रहा है इससे भी, हाँ घर वाले देखेंगे इसको, तो कहीं ले जाना ही बेकार है, है ना। व्यू पूरा व्यू लास्ट तक, वो लास्ट तक देख रहे हो, वो लास्ट तक जहाँ तक मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही है, लास्ट तक पूरा वहाँ हाउस बोट से उनके नाम रखे हुए हैं। अपने हाउस बोट का नाम क्या है? मॉर्निंग स्टार्स करके अपना हाउस बोट, अपनी हाउस बोट का नाम है। तो चलते हैं, न्यू मॉर्निंग स्टार हमारे हाउस बोट का नाम है। धीरे 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 शिकारा आगे बढ़ रही है, देन हम वहाँ पहुँचेंगे। गाइस रोड पे रेस्टोरेंट देखा होगा, लेकिन ये पानी के अंदर भी रेस्टोरेंट, ये देख रहे हो, मतलब बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ है, सब कुछ करना पड़ता है अपनी लिवलीहुड के लिए। ये हम जस्ट पहुँचने वाले हैं, ये देखिए जैसे ये नाम लिखे हुए हैं ना, शायद इधर से ना दिखें, ये ऊपर ऑन टॉप नाम लिखा हुआ है उसका, खलीका पैलेस करके, ऐसे ही अपनी काश न्यू मून शाइनिंग स्टार। और हम पहुँचने ही वाले हैं, और ये डल लेक देखिए, सर्दी में बिल्कुल जम जाती है जैन के मंथ में। अभी तो दिसंबर है तो यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हुआ, बट बाकी एरियाज में स्नोफॉल चल रहा है अभी भी। तो अभी इसके अंदर हमें चेक इन करना है, धीरे 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 करके हम पहुँचने वाले हैं अथेना। इनके भी नाम है शिकाराज के, जैसे इस वाले शिकारा का नाम है, मैंने अपनी का नहीं देखा क्या था, मैं सॉरी बताना भूल गया। लेकिन हम फिलहाल पहुँच गए किनारे पे, देखिए इधर से भैया हमारे लगेज उतारेंगे, देन धीरे धीरे हमको उधर से उस पार जाना पड़ेगा। फाइनली शिकारा से एग्जिट कर रहे हैं, ये देखिए बड़े इजीली हमने एग्जिट कर लिया। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी, मगर मैडम ने डर डर के बुरा हाल कर दिया। अभी लगेज कैरी करने हैं, ये लोग कैरी कर लेंगे, तुम आओ।
आओ व्यू, ये सब वुडन पे बना हुआ है, सब वुडन का टिका हुआ है ये ओलंपिस। इसमें भी डर लग रहा है। हे भगवान, इट्स अ ग्रेट टाइम। एंटरिंग इन शिकारा, जस्ट कम। शूज उतारने का, ओके ये शूज ऑफ करने, उतारो शूज उतारो पकड़ के बस धीरे धीरे। हाँ उतारो, बाहर उतारो। तो ये है शिका, ये हाउस बोट के अंदर का व्यू। जस्ट कम, यस। ये देखिए पूरा शैंडेलियर के साथ में, ये पूरा हीटिंग अरेंजमेंट्स, डाइनिंग टेबल एंड ऑल। लेट्स सी भैया, शायद हमको अंदर जाने का है। किधर है? देखिए सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे रहते हैं प्रॉपर तरीके से। किधर? इधर, ओके। तो ये है शिकारा रूम, ये है अपना वॉशरूम। ओके शिका, उसके बाद दोबारा राउंड में। ओके ओके ओके, आप ऐसा समझो आप घर में फोन की ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। इसकी जरूरत पड़ जाएगी बता देना। ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं सोचना हम बाहर है घूमने के लिए, आप सोचो हम बाई के पास आए। ओके ओके ओके, देखा आप लोगों ने, लाइटिंग थोड़ी कम है लेकिन लोग भी बड़े हम्बल हैं, हर तरीके से प्रॉपर तरीके से, कितना प्यारा है। और अभी हम शिकारा में यहाँ तक पहुँचे ना, अभी हमें दोबारा शिकारा राइड के लिए दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ने अभी बोला कि आप शायद थोड़े टायर्ड हो गए होंगे, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, देन उसके बाद हम लोग दोबारा जाएंगे शिकारा के लिए। तो मिलते हैं आपसे आगे शिकारा राइड में दोबारा से। तो गाइस ये हमारे ट्रिप का लास्ट डे, तो आज अब हम करें ब्रेकफास्ट, इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि शिकारा राइड के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारी इवनिंग में नहीं हो पाई थी क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था। शिकारा राइड के साथ ही हमने अपने हाउस बोट से चेकआउट करना है, देन देखते हैं हमारी फ्लाइट जो है रात को 8 बजे की, और 5 बजे हमें एयरपोर्ट पहुँचना है। तो देखते हैं उस हिसाब से कि बीच का टाइम हमें कहाँ स्पेंड करना है, क्योंकि हमें लंच भी करना पड़ेगा। तो उससे पहले देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, और मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने कर लिया यहाँ से चेकआउट, और चेकआउट होने के बाद हम चल रहे शिकारा राइड के लिए, जो मैंने बताया था कि आपको रह गई थी। अब हम करेंगे अपने टाई शूज एंड देन वो शिकारा राइड। तो चेकआउट शूज बाहर ही उतारने पड़ते हैं, क्योंकि सारा कारपेटिंग हो रखा है, इसीलिए शूज़ बाहर ही उतारने पड़ते हैं। तो अब हम पहनेंगे शूज, और हमारा उधर की तरफ में हमारा जो है लगेज वो लोड हो चुका है शिकारा के ऊपर, अब हम इधर मतलब इसी राइड लेने वाले हैं। तो हम निकल चुके हैं शिकारा राइड के लिए, द वे टू बोट। अब भी शायद ये डर रही होगी, डर लग रहा है अब भी? हाँ, अब भी डर लग रहा है भाई इसको। तो अब हम जा रहे हैं लोड होंगे बोट में, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। इधर आ जाओ ना, इधर से सही रहेगा। हाँ आ जाओ, एक उस साइड में फिर, एक इस साइड में फिर फोटो खींच। बैठो बैठो बैठो, चलो डरने के बजाय आप खाली दो आदमी है, चलो पीछे चार आदमी बैठते, ये आपको
दिखाएगा सर जी सब कुछ। ओके मार्केट वार्केट मेरा बाजार भी ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चल चुकी है अपनी शिकारा। तो ये है राइड, इनको लग रहा है डर, जबकि ये भाई पीछे एक्सपर्ट है, ये हमें सब कुछ दिखाने वाले हैं, मतलब ये डल लेक का साइट सीन कराने वाले हैं हमें। शी इज गेटिंग अफ्रेड सो मच। तुम्हारे फेस रिएक्शन देख के मुझे मजा बहुत आता है। ऐसे ही इन्होंने घोड़े के लिए किया, सेकंड राउंड में जाने वाला था लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो मुझे भी लगा कि अब नहीं जाना चाहिए, है ना? क्यों उधर से क्या डर है? छह लोग बैठते हैं इसमें। ये देखिए अलग अलग चीज की अलग अलग शॉप मिलती है आपको, यहाँ पे मिलेगी सब बोर्ड के ऊपर ही। देखिए रिंग्स वगैरह की शॉप, भैया रिंग्स वगैरह दिखा रहे हैं, कश्मीरी टाइप रिंग्स। यू नीड दिस? ओके नहीं नहीं मना कर दिया। देखना है तो देख लो। Wow, this is nice. Just show me. ले लो ये ले लो। दो ले लो। देख लेना किसी को देना हो तो। ले लो चाहिए तो। वाओ ये देखो, यहाँ से जो माउंटेन्स व्यू आता है वो भी बहुत प्यारा आता है। ये देखो बहुत दूर तक का कैप्चर कर सकते हैं हम। ये देख रहे हो कितनी सारी शिकाराज यहाँ पे हैं, ये सारे में मतलब ये मतलब जो भी ओवरऑल यहाँ पे टिका हुआ है सब शिकाराज के ऊपर है। इनकी मार्केट जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और ये इधर का व्यू मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब डल लेक के अंदर सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आप पानी के ऊपर हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी भैया ने बताया पूरी डल लेक के अंदर अराउंड 2000 हाउस बोट है, और अगर हमें पूरा कश्मीर घूमना है तो अराउंड हमें 3 महीने लग जाएंगे घूमने के लिए। 3 महीने ना भैया घूमने के लिए? पूरे 3 महीने बोला ना? 3 महीने हो जाएगा अगर हमें हर एक चीज़ देखने कश्मीर की ब्यूटी की। ये हमने जो देखी है मेन मेन लोकेशंस हैं, तो ये भी हमने एक एक दिन में एक्सप्लोर किए हैं। अगर हम इसकी एक एक चीज़ को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अराउंड भैया बता रहे हैं हमें पूरे 3 महीने लगेंगे, जो बहुत ही लंबा टाइम है। तो 3 महीने का टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, तो इसीलिए देखेंगे नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ कश्मीर तो घूम के जाएंगे और लोकेशंस पे। अभी जो अभी हमारा टाइम बचा हुआ है एयरपोर्ट जाने से पहले, उसमें भी देखते हैं हमें एक दो जगह कुछ मिल जाए तो देखते हैं, क्योंकि लंच तो हमें करना ही करना है। अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट किया है तो उसके बीच में हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये देखिए मेरे पीछे का व्यू आप देख रहे हैं, तो हम मतलब जो हमारा जो घाट है उससे काफ़ी दूर आ चुके हैं। भाई आपने हर जगह सुना होगा एक फेमस बाज़ार जिसका नाम है मीना बाज़ार, तो वो हर जगह मिलेगा आपको। यहाँ पे डल लेक का भी एक मीना बाज़ार है। अभी भैया ने मेरे को बताया कि अभी हम उधरी की तरफ जा रहे हैं। क्या है भैया? मार्केट, मतलब डल लेक के ऊपर इतने सारे मार्केट है। सोचो कि जब पानी पे इतनी सारी है तो बाहर कश्मीर के अंदर कितनी सारी मार्केट्स होंगी। सब बहुत लोग, सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपनी शिकारा के अंदर। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अब हम इधर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए भैया ने बता दिया कि डल लेक जो है ऐसे जमना शुरू होगी, और जब ये इस तरीके से जमेगी तो हम कुछ भी शिकारा में राइड नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा, जैसे जनवरी आएगा फैब आएगा, तो ये बुरी तरह से जम जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ये सारा जमा हुआ एरिया डल लेक का, और इधर भी ये जम चुकी है। तो जो जो एरिया भी हमें एक्सप्लोर करने मिल रहा है इसका तो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ये बिल्कुल जम जाएगी, एक वक्त ऐसा आता है कि जम जाती है तो उस टाइम शिकारा आप नहीं कर सकते। ये देखिए
ये देखिए, ये है मीना बाज़ार, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग थी और ये शेक्स वगैरह की शॉप है और ये ड्रेसिंग वगैरह है। तो आप यहाँ से कुछ भी जो भी पसंद आता है, भैया ने हमको बोला है कि अगर आपको कुछ पसंद आता है किसी शॉप में तो आप मुझे बताइए, मैं उधर की तरफ ले चलूँगा आपको। ये देखिए, ये विंटर वेयर्स की शॉप वगैरह सब कुछ है यहाँ। मतलब मीना बाज़ार तो आप लोग यार समझ सकते हैं कि मीना बाज़ार के अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है। ये गिफ्ट आइटम्स की शॉप है ये जो है मेरे सामने जस्ट। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, आप देख सकते हैं। हमारा राउंड पूरा होगा उसके बाद हम लोग वापस अपने कैब ड्राइवर के साथ जाएंगे, देखते हैं फिर हमें क्या रहने के लिए मिलता है। पाशी मशॉल, कफ्तान्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे हैं, कश्मीरी शॉल्स वगैरह। डर लग रहा है? नहीं, अब ठीक है। क्यों, अब क्यों ठीक है? नॉर्मल लग रहा है। अब क्यों नॉर्मल लग रहा है? ये देखिए डल लेक के इस साइड पे जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, द नट हाउस करके, ये ड्राई फ्रूट शॉप है नट हाउस करके, काजी आर्ट्स एम्पोरियम। मतलब यार अगर धरती पर रह के स्वर्ग देखना है तो तुम कश्मीर आ सकते हो, और फिर कश्मीर के आगे जाओगे तो पूरा स्वर्ग ही स्वर्ग है। बोले तो केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, ये सब लोग भी स्वर्ग के अंदर ही आते हैं सारी चीज़ें। ये देखिए भैया की शिकारा में शायद पानी भर गया तो भैया उसको निकाल रहे हैं, और मे बी की वॉशिंग कर रहे हो तो, बट इतना पता है कि शिकारा के अंदर पानी है तो भैया भी उसको निकाल रहे हैं। मतलब डल लेक कोई छोटी मोटी लेक नहीं है, ये उधर भी कटती है पूरी, ये देखिए, और राइट साइड में भी कटती है। बहुत लंबा इसका रूट रहता है तो घूमने बहुत मज़ा आता है। ओ वाह, दिस इज़ द ब्यूटीफुल। तो भैया ने हमें मीना बाज़ार की एक ऐसी शॉप पे छोड़ा जहाँ पे गिफ्ट्स खुद हैंडमेड गिफ्ट्स बन रहे हैं, ये वुडन से बन रहे हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बन रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लेके चलता हूँ आपको शॉप के अंदर। ये देखिए भैया खुद अपने हाथ से अपने इक्विपमेंट्स लेके बैठे हुए और ये बना रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें भैया ने बनाई हुई है, ये देखिए सब ये हैंडमेड है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए आप छोटे से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें तक देख सकते हैं यहाँ पे। कितने का ये? 20। लो इसको। आप बता कितना पीस चाहते हैं, तो मैं एक साइड पर रखूंगा। एक चलो बेटा कोई बात, घर से कॉल भी आ रहा है, ले लो, रोहन का फोन है। काफी सारी चीजें अंकल ने बनाई हुई हैं, बहुत प्यारी प्यारी, ये देखिए। अच्छा ये मिनी बैंक बनाया हुआ है आपने। कोई नाम डेट लिखना है तो लिखकर देना, अच्छा आपका नाम आज का डेट लिखना है। और ये देखिए भैया अंकल कह रहे हैं कि इसको कस्टमाइज भी कर देंगे अगर आपको नेम के साथ कस्टमाइज कराना है तो इसे। ये देखिए ये छोटे छोटे बॉक्सेस अंकल ने बनाए हुए हैं, मतलब काफी सारी चीजें हैं। बेटा मैं बहुत फसाता आ गया, आप तो बुरा तो लगेगा। नहीं नहीं हम बहुत फसाता हूं, नहीं हम बुरा मानने वाले नहीं अंकल। ये देखिए रात हो रही है, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। लो बेटा खोलो, ये क्या है अंकल इसके अंदर? कुछ नहीं बेटा, वो बेवकूफ लोग डराने के काम कर रहे हैं। आप ही खोलिए, आप ही खोलिए, आप खोलो ये बाद में बेटा, मैं एक पता खोलो, आप कहाँ खोलिए बेटा, वो चीज नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं देखो ये कैसा है, खोलना नहीं आएगा आपको। अगर प्यार करा है हस्बैंड को तो खुलेगा, अगर सताता तो नहीं खुलेगा। खोलिए, कैसे? ये तो इनका टेस्टिंग कर लिया अंकल ने, कह रहे हैं हस्बैंड को प्यार है तो ये खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। आपका वाइफ? हाँ जी। आपको मालूम था शायद इससे पहले उसको जमुनी बाबू भी खोलना नहीं आता? अरे वाह, आप बेफिक्र हो, मैं आपको ससुराल वालों को ये बातें बताऊंगा। बराबर दो पे नहीं, तीन चार पे नीचे। वाओ अंकल, किस काम में आता है ये? बट ये कंपास बॉक्स। ओ रॉबर्ट रेजल, यहाँ दो पेन, यहाँ देखो बेटा तीन पेन नीचे, सिकल, ये इसका लॉक है। इसका कितना कॉस्ट रहेगा? आज का डेट लिख कर दे दूंगा, ये 250 का है। एक कंपास, तीन कंपास बॉक्स ले लेते हैं।
तीनों का नाम आज का डेट जम्मू और कश्मीर लिखा है। चलो और चीजें देखते हैं। क्या क्या आ जाए बेटा, अंकल के पास तो बहुत सारी चीजें हैं। सिंगार बॉक्स, वाओ, रोज इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा है। ये 550 का है, ये फ्रूट बोल है, इसे ग्रेट रखने के लिए। चाय गरम, चाय गरम, वॉल डेकोरेशन। ये भी फ्रूट बॉल है बेटा, ये भी फ्रूट बॉल है, ड्राई फ्रूट रखने के लिए। ये हो गया अखरोट तोड़ना, बादाम तोड़ना, जो चूसने का तरीका का ये है। दूसरा अदरक, काला मिर्च, लहसुन, एक मिनट उस वक्त खाल बता। तीसरा कोई बड़ा आइटम है बेटा, उस वक्त ये हथौड़ा है, ये मल्टी पर्पज 24 घंटा काम आता है। बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं अंकल, तो पूरी शॉप ही अंकल की हैंडमेड है। अंकल ये जो आपने बैक में बनाया हुआ है, ये सब कुछ फर्नीचर टाइप में जो है, ये भी आपका हाथ का बना हुआ है? वाओ, अपने हाथ से ये सारा। हम मेरा कारखाना भी है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है? बाबा डे। वाओ, लो बेटी खोलो, लो बेटा ये ज्वेलरी बॉक्स है, लो बेटा खोलो, जो बीबी को सताता है उसके हाथ से नहीं खुलेगा। एक मिनट पकड़ोगे आपको? सताता है, शर्म आना चाहिए, कितना सुंदर चेहरा है। ये क्यों नहीं खुल रहा? मैं तो ऐसा कुछ प्यार करने वाले से खुलता है, सताने वाले से नहीं खुलेगा। उन्होंने एक सेकंड के अंदर खोला था, ये प्यार कर रहा है, आप सताता है। मैं सताता हूँ, बहुत प्यार करता है। आप खोल लें एक बार। अरे बेटी इधर भी ट्राई करो, लो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ बेटी, अब ये ट्राई करेंगे इसको। लो, इन्होंने तो एक बार में खोल दिया, मेकअप का एक्सपीरियंस है। होल्ड इट साइड से खुलेगा, ये साइड से ये मेरे से नहीं खुलेगा। माला दिलाएगा फिर भी नहीं खुलेगा। ये अंकल ने कितने प्यार से खोला। हां, मैंने कहा था ना लॉक है ये, पहले ही खोल कर रखा था, उसको बंद करके दे दिया। एक मिनट, हिसाब हो गया बराबर। आई के बाद टी, टी के बाद वाई, वाई के बाद ए, ए के बाद बता दूसरे हो एक का बता अपना। बी बम्बई वाला, हाँ जी, बी एच एल टी एच ए डब्ल्यू डब्ल्यू एन एन ए। शादी का तारीख 14 दिसंबर 2022। हाँ बेटा 2022। हस्बैंड, लव वाइफ, यस, शादी का तारीख, यस, डेट समझ नहीं आ रही, दिखाना एक बार। कौन सा बेटा? अंकल हमारी शादी की तारीख और हम दोनों का नाम लिख रहे हैं इस हाउस बोर्ड पे। आज तारीख भी अच्छा है, जो मोड़ कश्मीर से ले लिया, आज का डेट कब आया था यार? 28/12/22 ये ना 14/12/22 हाँ जी। अंकल की दुकान से हमने बहुत सारे कीचेंस लिए, शिकारा शेप के, उस पर नेमिंग कराई, और कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस भी लिए, जो लिए बच्चों के लिए। तो मिलते हैं फिर आगे, अब हम दोबारा से अपनी शिकारा में राइड करेंगे, तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। गाइस, हाउस बोट पर केवल शॉपिंग ही नहीं, हाउस बोट पर सारे काम होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो शादी भी हो रही है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, ये सामने आप देख रहे हैं क्राउड जितना बैठा हुआ है, ये मतलब ये वाली जो हाउस बोट है इसका नाम ताजमहल है और गोल्डन पैलेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, यहाँ निकाह चल रहा है, लोग यहाँ अपना निकाह करने आते हैं, बोले तो शादी करते हैं लोग यहाँ पे। तो ये भी एक मेमोरी आप कैप्चर कर सकते हैं कि मतलब अगर किसी को अपनी कुछ डिफरेंट वेडिंग करनी हो तो वो यहाँ पर आके कर सकता है, बट ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। ये भैया ने अभी मुझे बताया कि ये जो चल रहा है, ये शादी चल रही है। तो बट ये भी एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है कि फ्लोटिंग वाटर के ऊपर लोग अपनी शादी कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी शिकारा राइड कंप्लीट हो चुकी है, तो हम पहुंच चुके घाट नंबर 14 पे। अब हमारा जो कैब ड्राइवर बासिद है वो आने वाला है, अब देखते हैं इसके बाद बचा हुआ टाइम हमने कहाँ स्पेंड करना है।
और 5 बजे के अराउंड हमें पहुँचना है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमें अपनी फ्लाइट लेनी है 8 बजे। तो मिलते हैं आपसे आगे। गाइज एयरपोर्ट जाने से पहले हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं इस टाइम को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पे भी नहीं पहुंच सकते, अराउंड 3 घंटे के पहले पहुंचेंगे। तो हम आए हैं कश्मीर के लाल चौक एरिया में। लाल चौक एरिया जो अभी हमें बासित ने बताया, हमारे कैब ड्राइवर ने, लाल चौक एरिया है यहाँ का मार्केट एरिया। हम यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो अभी हम आए, देखते हैं, एक दो बंदे जो रह गए हमारे लिए उनके लिए कुछ चीज़ें लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ लाल चौक का एरिया कैसा, कैसी मार्केट है यहाँ की। थोड़ा थोड़ा यहाँ आके ना मुझे फील आ रही है चांदनी चौक वाली जो साइड मार्केट होती है, हमें वहाँ चलना पड़ता है ना, इस तरीके की मार्केट है। लेके चलता हूँ मैं आपको। लाल चौक कश्मीर मार्केट यहाँ मिल जानी चाहिए। जैकेट देख लेते हैं ना उसके लिए। यहाँ हर तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे शॉल्स हो गए और जैकेट्स वगैरह हो गए, मतलब जनरली विंटर्स का ही आपको कलेक्शन मिलेगा, क्योंकि विंटर्स ही यहाँ पे ज़्यादातर रहती है। मौसम 12 महीने ठंडा रहता है यहाँ पे, इसीलिए और आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखिए ये सब यहाँ पे, आई थिंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल जाएंगे। देखिए मतलब बहुत लंबी मार्केट है, हम इसको एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम चाहिए, तो जितना भी होगा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें भी ज़्यादा आगे नहीं जाना, फ्लाइट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। मार्केट घूमने के बाद ठंड में आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए हम लोग, तो कोल्ड में सब आइसक्रीम खा रहे हैं। कोल्ड है आइसक्रीम खानी है आपने लिया? तो मैंने पूछा था ना, आओ आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं, ब्लैक करंट आइसक्रीम। तो मार्केट के बाद हम आए हैं रेस्टोरेंट मुगल दरबार, जो है यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं तो यूज़ कर सकता हूँ, तो हम आए इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइड व्यू। तो फाइनली गाइज हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमारा ट्रिप यहीं पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग्स में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।